हेलो हेलो गाइस, गाइस। वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हस्बी रबी जला अल्लाह नाथ का रिएक्शन। एंड ये जो है ये डाली है एडी रिएक्ट जोन ने। इनकी जो वीडियो होती है ना, वो बहुत क्रिएटिवली फिल्म होती है। लाइक मेनली फिल्म क्या कह सकते हैं, लाइक ये कंपाइल बहुत अच्छा सा करते हैं। लाइक अभी ये इन्होंने वही किया, अर्थरुल उस्मान, चंचल और मलिक शाह का पूरा ऐसे कंपाइलेशन बनाया। और इसमें ये उनकी क्लिप्स भी दिखा देते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और साथ में जो वो सॉन्ग या फिर नात होता है, या फिर मान लो अगर हमने जैसे हमने अलामा इकबाल की पूरी पोएट भी सुनी थी, तो उसको भी वो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या बताया गया। और सीरियसली जो मतलब कि कंपाइलेशन होती है अतुल की, वो मुझे देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हालांकि मुझे ये लगता है कि मैंने बहुत सारी पोइट्रीज वगैरह सुन रखी है, लेकिन ये पहली बारी है जहाँ पर हम ऐसे कोई नात सुनेंगे और यहाँ पे कंपाइलेशन होगा अतुल का। तो मैं सही बोलूँ, उसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और ये भी देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। हालांकि क्लिप बहुत छोटी है, आई होप लेकिन इंटरेस्टिंग काफ़ी हो। तो देखते हैं वीडियो कैसे होने वाली है। वही देख लेते हैं कैसा होगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। वाओ, चंचल, बीट मलिक शाह, उस्मान। बीट देखो, बीट तुम एक्चुअली आओ वाओ वाओ माय लव इज बैक। अल्टीमेट पैशन एंड लव फॉर अल्लाह ऐसे। सीरियसली बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो थी। और मतलब जैसे कि मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में सिर्फ 2 मिनट की वीडियो है, पता नहीं कैसे होगी, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और जो उन्होंने मतलब मुझे ऐसे सीरियसली ये लग ही नहीं रहा था नात है या नोआ है, मुझे ना एक प्रॉपर वो डीजे वाली वाइब्स दे रहा था ये। और जो उन्होंने पीछे वो सॉन्ग लगा रखा था और साउंड इफेक्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ज़्यादा। और ऊपर से जो कंपाइलेशन था अर्तुल का, वो तो इसमें चार चांद लगा रहे थे। तो बेसिकली वीडियो में यही था कि मेरी ज़ुबान में, मेरे खून में बस अल्लाह ही अल्लाह। तो बेसिकली जो ये नात थी वो डेडिकेट की थी उन्होंने अल्लाह के ऊपर की, और उन्होंने यही बोला था कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक भगवान है, वो है अल्लाह, और उनके अलावा और कोई भगवान नहीं है। तो उन्होंने यही चीज़ें डिस्क्राइब करी, और उन्होंने इस वीडियो में बेसिकली शो किया है अपना प्यार अल्लाह के अलावा। और अर्तुरुल के उन्होंने क्लिप्स शायद इसलिए लगाई थी क्योंकि एज वी नो कि जो अर्तुरुल, उन्होंने इस्लाम के लिए कितना लड़ा है, तो दैट्स द रीज़न कि उन्होंने ये वो लगाई थी क्लिप्स अर्तुरुल की। और सीरियसली मुझे ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। वही पूरे नाथ की जो मीनिंग नीचे लिखी आ रही थी वो बहुत अच्छी चीज़ थी, क्योंकि उसमें पूरा बताया जा रहा था कि भाई कैसे वो इविल को ख़त्म करना चाह रहे हैं, और कैसे वो यूनाइट होना चाह रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। और उसमें सब जो चीज़ उनका इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, वो यही है कि जो अल्लाह के लिए उनका प्यार है, और वही लव उनको यूनाइट करता है, और उसके लिए वो हर चीज़ करते हैं। सो लाइक हर चीज़ के लिए, लाइक इन फैक्ट वी लव अल्लाह एंड दिस एंड दैट। सो उसको बहुत अच्छे से वहाँ पर मैंशन किया गया था, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था। एंड
साथ में जो वीडियोस दिखाई गई थी, तो लाइक अभी ये अर्तुल के ऊपर ही यार सबको पता है कि भाई उसी में ही कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा अगर आप देखा जाए तो इस्लाम का प्रमोशन किया गया है, तो इसलिए उनकी क्लिप से सबसे ज़्यादा अटैचमेंट फील हो पाती है लोगों को भी, और लोग समझ पाते हैं कि क्या बताना चाह रहे हैं, एंड वहीं यह पता लगता है क्योंकि उन्होंने इस्लाम के लिए ही पूरा का पूरा काम किया था। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा एक मतलब कमाल की वीडियो थी, और इसको देखने में और सुनने में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया। आप लोगों को कैसे लगा मुझे ज़रूर बताया, कैसे लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।